Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द स्पीड स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग जो है साइंस पढ़ रहे हैं क्लास टेंथ की। साइंस में हमने प्रकाश पढ़ा दिया, आपको प्रकाश का परावर्तन पढ़ा दिया। आज हम उसके आगे डिस्कस करेंगे। प्रकाश के परावर्तन में हम प्रश्न बता रहे थे न्यूमेरिकल, तो उसको जो है सवाल को अभी आप लोग तीन चार जहाँ पर आप अपनी फेयर बना रहे हैं वहाँ कम से कम चार पेज आप छोड़ दीजिए। चार पेज का मतलब पूरा एक पन्ना इधर उधर लेकर के, तो चार पन्ना आप छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर उसके आगे आप लोग नया चैप्टर डाल लीजिए जो कि हमारा है प्रकाश का अपवर्तन। तो उसको मैंने इसलिए छुड़वा दिया क्योंकि कुछ बच्चे फ़ोन किए, बोले सर नेट सही से चल नहीं पाता है यहाँ पे इस टाइम, तो इसलिए हम देख नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए जो है वो चार पेज आप लोग छोड़ दीजिए। उसको मैं जो है जब कुछ ठीक हो जाएगा सर्वर सबका तो उसके बाद हम उसको बता देंगे। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो है प्रकाश का अपवर्तन। सब चीज वही है, नोट्स आपको साथ साथ बनानी है, जहां कहीं दिक्कत हो आप कमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहली चीज बनती है कि आखिर ये प्रकाश का अपवर्तन है क्या। परावर्तन में हमने समझा दिया था, प्रकाश की परिभाषा हमने बता दी थी। आखिरी जो अगला आपका चैप्टर है वो है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन का मतलब क्या हुआ कि देखिए, जब अभी तक था कि एक सतह पॉलिश कर दी जाती थी और उस पर जब प्रकाश पड़ता था तो वही प्रकाश वापस लौट के आता था। अब क्या होगा कि जब प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर जाएगा तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके विषय में हम जानेंगे कहां से, प्रकाश के अपवर्तन से। तो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, तो चलते हैं आज देखते हैं कि आखिर प्रकाश का अपवर्तन है क्या या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखते हैं, ये आपका माध्यम एक है और ये आपका माध्यम दो। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाती है तो उसके साथ क्या होता है ये हम देखेंगे। तो देखिएगा, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है। भाई देखिए, ये जो हमारी प्रकाश किरण थी, जो ये हमारी प्रकाश किरण थी, ये अगर आती तो ये हमारी जो है ऐसे सीधी आती, ये प्रकाश किरण हमारी सीधी ऐसे आती, ठीक। लेकिन सीधी ना आकर के हुआ क्या इसके साथ, इसके साथ ये हुआ कि ये प्रकाश किरण जो है या तो आपके अभिलंब से दूर हट जाएगी और या तो आपके अभिलंब की ओर झुक जाएगी। दो चीज होता है, या तो ये प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब सोच रहे होंगे अभिलंब क्या है, तो यही आपका अभिलंब है। यही आपका क्या है, ये आपका अभिलंब है, ये आपका आपतित किरण है, आपतित किरण है, और ये आपका जो है अपवर्तित किरण, ये दोनों, ठीक। तो हम कोई एक ही किरण लेंगे, चाहे ये वाली लेंगे और चाहे ये वाली, क्योंकि समझाने के लिए हमने दोनों बना दिया है। समझिएगा कि हम क्या देख रहे हैं, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जा रही है। भाई इस प्रकाश किरण को ऐसे सीधे चले जाना था, लेकिन ये सीधे ना जाकर के या तो अभिलंब की ओर झुक जाती है और या तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो अभी हम बता रहे हैं कि कब अभिलंब की ओर झुक जाती है और कब अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक। उसके लिए थोड़ा सा एक प्रयोग बताते हैं आप लोगों को। आप लोग क्या करिएगा कि एक गिलास में पानी लीजिएगा। पानी लेने के बाद कोई रिफिल या कोई
पेन या कोई डंडी चाहे जो भी आप जब इसमें डालेंगे तो आप जब देखेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत, देखिए कलम पतली है, इसके अंदर जब जाएगी तो ऐसा लग रहा है जैसे मोटी हो गई, मतलब वो अभिनव जैसे सीधा डाल रहे हैं हम, सीधा न जा करके वो अंदर जाने के बाद तिरछी दिख रही है हमको। तो वो तिरछी क्यों दिखती है? तिरछी इसी की वजह से दिखती है। किसकी वजह से? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक, तो परिभाषा समझ सुन लीजिए एक बार, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब कोई प्रकाश किरण, आपको परिभाषा लिखिएगा, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब नीचे लिख लीजिएगा एक लाइन और, परिभाषा के अलावा जितना अभी तक हमने बोला इसको आप इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे, उसके नीचे लिखिएगा कि यदि प्रकाश विरल माध्यम में से सघन माध्यम में जाता है, यदि प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है। अब इसमें विरल और सघन क्या है समझिएगा। विरल का मतलब होता है कि दूर दूर उसके कण हो, दूर दूर का मतलब कहीं नहीं, कहीं यार तुम्हारे पर्वत बहुत गजीन है, गजीन का मतलब सघन है, सघन का मतलब पास पास है अर्थात ढेर बारा है। तो विरल का मतलब होता है कि दूर दूर रहे कण, उसके कण जो हो वो दूर दूर रहे, और सघन का मतलब उसके कण पास पास रहे। तो सघन में कोई भी ठोस हो सकता है, ठोस के कण पास पास होते हैं, और विरल में आपको ठोस को छोड़ दीजिए बाकी कुछ भी हो सकता है। तो जब लिखिएगा कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में लिखिएगा जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक, तो ये था आपका प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा। अब हम लोग उसके आगे देखेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या है। जैसे हमने परावर्तन में नियम पढ़ा था उसी तरह जो है प्रकाश के अपवर्तन में नियम पढ़ेंगे। और क्या नियम है देखिए, प्रकाश के अपवर्तन का नियम समझिएगा। अपवर्तन का नियम, तो प्रकाश के अपवर्तन का भी दो नियम है। जैसे कि हमने प्रकाश के परावर्तन में दो नियम पढ़ा था उसी तरह प्रकाश के अपवर्तन में भी दो नियम है। पहला नियम क्या है समझिएगा, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये क्या चीज है आपका, आपतन बिंदु है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, क्या बताया हमने, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये नियम आप लोग लिख लीजिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, आगे देखिए, क्योंकि हमने बताया था कि जो ये आपके आपतित किरण है और ये अभिलंब है, इसके बीच का जो कोण है इसे हम कोण आई कहते हैं और इसका नाम है आपतन कोण, आपतन कोण।
फिर देखिए अभिलंब और अपवर्तित किरण जो है, अब आप इसको एक मिटा दीजिए, परिभाषा हमने समझा दिया है इसलिए इसको एक मिटा दीजिए। तब देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है वो आपका आपतन कोण है, और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है वो आपका अपवर्तन कोण है। ठीक, तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण। तो आगे देखिएगा दूसरा नियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरे नियम का एक नाम और है, इसे ही कहते हैं स्नेल का नियम। स्नेल का नियम, तो स्नेल का नियम क्या है समझिएगा, किसी किन्हीं दो माध्यम के लिए, किन्हीं दो माध्यम के लिए, भाई अपवर्तन कब होगा, जब हमारे पास दो माध्यम होगा तभी तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाएगा। तो क्या समझाया है समझिएगा, किन्हीं दो माध्यम के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए, परिभाषा समझिएगा पहले उसके बाद लिखिएगा, किन्हीं दो माध्यम के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब होता है साइन, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियतांक होता है। का अपवर्तन का आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत होता है। ठीक, तो समझिएगा, अर्थात आपतन कोण की ज्या, तो आपतन कोण है आई, ज्या मतलब साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या मतलब आर, तो साइन आर और साइन आर का अनुपात जो होता है वो नियत होता है। नियत का मतलब चाहे आप नियत कह दीजिए और या नियतांक कह दीजिए, दोनों चीज आपकी क्या है, एक ही। ठीक, तो ये है आपका स्नेल का नियम, कि अगर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि स्नेल के नियम से आप क्या समझते हैं, तो उसमें आप इतनी चीज लिखेंगे। आगे चलते हैं हम उसी क्रम में, अगला जो आपका टॉपिक है वो है, अभी हमने इसमें कहा नियतांक, तो ये यन क्या चीज है हम ये बताते हैं। यन को ही जो है, यन को ही अपवर्तनांक कहते हैं, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो चलते हैं पहले समझते हैं अपवर्तनांक आखिर है क्या। तो अपवर्तनांक समझेंगे, अगला टॉपिक है आपका अपवर्तनांक, और अपवर्तनांक को यम से प्रदर्शित करते हैं। अपवर्तनांक का मतलब यह हुआ कि चूंकि अभी हमने बताया कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, प्रकाश की इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। हमने बताया कि इसे आई कहते हैं, इसे आर कहते हैं। हमने एक चीज और बताई कि साइन आई अपान साइन आर बराबर नियतांक अर्थात यन होता है, और अभी मैं बता रहा हूं कि जो यन होता है ना, इसी यन को कहते हैं अपवर्तनांक। और अपवर्तनांक का मतलब चूंकि अभी हमने बताया ये माध्यम एक है ये माध्यम दो है, तो जो यन है इसका मतलब ये हुआ कि वन यन टू बराबर साइन आई अपान साइन आर। ठीक, तो चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे आप ऐसे लिखिए, ठीक, दोनों चीज आपकी एक ही है, कहीं कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर कहीं किताब में इस तरह देख लिए तो कह दीजिए सर जी तो केवल यन ही लिखे हैं, तो ये भी है और ये भी है, दोनों चीज एक ही है। ठीक, वन यन टू का मतलब देखिए ऐसे ही लिखा जाता है, यन बीच में रहेगा, वन इधर टू इधर, वन यन टू का मतलब होता है एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। क्या बताया हमने, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ये हम आगे देखते हैं कि यह अपवर्तनांक है क्या। हमने बताया कि अपवर्तनांक एक संख्या होती है, केवल केवल एक संख्या है।
अपवर्तनांक किसी भी माध्यम के लिए संख्या का काम करता है कि मतलब कि कोई भी एक माध्यम दूसरे माध्यम की अपेक्षा कितना अधिक है कितना कम है ये चीज जो बताता है वो हमारा क्या बताता है अपवर्तनांक बताता है। ठीक कि एक माध्यम के सापेक्ष जो दूसरे माध्यम की चाल है कि मान लीजिए प्रकाश आपकी जो है हवा में चल रही है तो उसकी चाल अलग होगी, प्रकाश को जब हम कांच से गुजारेंगे तो उसकी चाल अलग होगी। ठीक प्रकाश को जब हम क्या कहते हैं पानी से गुजारेंगे तो उसकी चाल अलग होगी, प्रकाश को जब हम हीरे से गुजारेंगे तो उसकी चाल अलग होगी। तो ये जो चाल है ना यही आपका अपवर्तनांक बताता है। क्या बताता है अपवर्तनांक बताता है कि आखिर किसकी चाल किस माध्यम में कितनी है। तो परिभाषा क्या है समझिएगा अपवर्तनांक की कि किसी माध्यम ठीक वो माध्यम आपका कांच हो सकता है, वो माध्यम आपका वायु हो सकती है, वो माध्यम आपका जल हो सकता है, वो माध्यम आपका हीरा हो सकता है, कुछ भी आदि। ठीक तो किसी माध्यम में का जो अपवर्तनांक है वह संख्या है जो यह बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल, विद्युत चुंबकीय तरंग यहां पे आ गया होगा तो आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब कि जैसे प्रकाश अगर हम मान रहे हैं तो चूंकि हमको प्रकाश ही पढ़ना है तो प्रकाश की चाल अन्य माध्यम की तुलना में कितना अधिक या कितना कम है। तो मतलब एक लाइन में अगर हम बोलना चाहें तो प्रकाश की चाल किस माध्यम में कितना अधिक या कितना कम है इसको हम अपवर्तनांक से प्रदर्शित करते हैं, इसे यन से लिखते हैं। अब समझ लीजिए कि आखिर यन का मतलब क्या है। ठीक आगे समझ लीजिए कि आखिर ये अपवर्तनांक जो हमने बताया अभी तो अपवर्तनांक का मतलब क्या है। तो एक आप चार्ट बना लीजिएगा उसमें लिख लीजिएगा माध्यम और अपवर्तनांक, माध्यम और अपवर्तनांक। तो माध्यम में देखिए वायु, तो वायु का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.0003। वायु का अपवर्तनांक 1.0003 होता है, इसको आपको याद करना है, याद रखिएगा। और जो आपका बर्फ का अपवर्तनांक होता है, बर्फ का अपवर्तनांक 1.31 होता है, जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है, कांच का अपवर्तनांक 1.52 होता है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है, और एल्कोहल का अपवर्तनांक 1.36 होता है। ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि जल का अपवर्तनांक कितना होता है, तो आपको चार विकल्प दिए रहेंगे, एक विकल्प पे निशान लगाना है। तो ये चीज था, आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है, स्नेल का नियम क्या है, उसके बाद अपवर्तनांक क्या है। ठीक तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसे देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे देखते रहें और अपना प्रेम और स्नेह अपने परिवार द स्पीड स्टडी पर बनाते रहें। धन्यवाद।